पे हमारे साथ इस वक्त हैं बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला सर। राजीव सर से जानेंगे, सर जो ये कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, जो एशिया कप के लिए इंडिया ने मना कर दिया था पाकिस्तान जाने के लिए, और पाकिस्तान की तरफ से भी एक चीज़ें निकल के आई थी कि वर्ल्ड कप जो होगा वो पाकिस्तान नहीं इंडिया खेलने आएगा, तो सर अब क्या ये चीज़ें? मैं आपको बता दूँ, ये सारी इतिहास है, मीडिया रिपोर्ट, ऐसा अभी कोई कुछ चीज तय नहीं है। विजय सेक्रेटरी जैसा है वो गए थे वहाँ और उनकी सब वार्तालाप लोगों से, लेकिन ऐसा कुछ भी तय नहीं है। तो जो कुछ भी खबरें आ रही हैं ये भी सही नहीं है, तो कोई निर्णय नहीं है। और जो सर न्यूट्रल वेन्यू को लेकर चीज़ें चल रही हैं, वही न्यूट्रल वेन्यू को लेकर भी मैंने मीडिया में पढ़ी और खबरें पढ़ी कि बांग्लादेश में खेलेंगे वगैरह, दुबई में, ये सब जो है खबरें अभी गलत हैं, कुछ तय नहीं है। और पाकिस्तान के जो पीसीबी चीफ हैं उन्होंने मना कर दिया, सबसे बातचीत चल रही है, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं। तो न्यूट्रल वेन्यू को लेकर कोई निर्णय नहीं हुआ। और सर आईपीएल जैसे हम देख रहे हैं कि जो इंडियन प्लेयर है बहुत ज़्यादा इंजर्ड भी हो रहे हैं आईपीएल में, हमने देखा कि बहुत सारे कुछ प्लेयर हमेशा इंजर्ड होते रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये वर्कलोड को लेकर सर बीसीसीआई कोई मतलब और ज़्यादा मैनेज नहीं कर रहा है? एनसीए में सब सुविधाएं की हैं, इसके अलावा हर राज्य में फिजियो थेरेपिस्ट भेज रहे हैं, उनका खर्चा बीसीसीआई उठाई गई, ट्रेनर बीसीसीआई प्रोवाइड करा रही है, हम सब एक्सपर्ट लोग हर जगह जगह भेज रहे हैं। लेकिन इंजरी एक ऐसी चीज़ है जो अचानक होती है, ये समस्या पूरा विश्व झेल रहा है, उसमें नई बात तो है नहीं खेल में इंजुरी। लेकिन जो हमारे सर मेन प्लेयर है जैसे जसप्रीत बुमराह हैं, श्रेयस अय्यर और सामने डब्ल्यूटीसी खड़ा है, बुमराह से मिला मैं बॉम्बे में, मुझे मिला वो जी, उसने बताया कि 15 दिन में उसका रिहेबिलिटेशन है, एनसीए जाएगा और उम्मीद है कि वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए अवेलेबल हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। तो मतलब डब्ल्यूटीसी के लिए लगभग उम्मीद है कि होपफुल हैं, बुमराह खुद होपफुल हैं जैसे आपसे भी बात हुई उनकी। और सर जो हमने WPL देखा, एक बहुत सक्सेसफुल इवेंट रहा, हमने 5 टीमें देखी, इस बार क्या आगे प्लान है कि इसको और जैसे आईपीएल की तरफ से और ज़्यादा टीमें बढ़ाई जाए? एक एक्सपेरिमेंट किया वुमेन प्रीमियर लीग का, तो काफ़ी सक्सेसफुल रहा, हमें उम्मीद है कि आगे जो है इसका और विस्तार होगा और बढ़ेगा, और महिला क्रिकेट जो है वो इंडिया में ज़बरदस्त तरक्की करने वाला है। शुक्रिया सर। और सर महेंद्र सिंह धोनी के लिए बहुत सी चीज़ें चल रही हैं, मतलब मीडिया में भी खबरें चल रही हैं उनका लास्ट सीजन होगा, लेकिन उनकी फिटनेस को देख के ऐसा लगता नहीं है। पूरी तरह से प्लेयर पे निर्भर कि वो क्या करते हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अभी धोनी के अंदर क्रिकेट बाकी है, वो खेल रहे हैं, तो अभी कितने साल और वो खेल सकते हैं आपके ऊपर है, जब तक वो तय करें, जब तक उनका शरीर गवाही दे खेल सकते हैं। चलिए शुक्रिया सर।